हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो मात्र 55 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। ये ट्रेन स्पीड हवाई जहाज से भी तेज, ट्रैफिक से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत में एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जो बहुत जल्दी मंजिल पर पहुँचाएगी। खास बातें, भारत में जल्द आने वाली है हाइपरलूप ट्रेन, मात्र 55 मिनट में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई। हाइपरलूप 750 मील 12024 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है नई दिल्ली। भारत में ट्रैफिक एक आम समस्या हो गई है जिसका समाधान निकालना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ट्रैफिक से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत में एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जो बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंचाएगी। जी हाँ, जैसे आप प्लेन से दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो 2 घंटे लगते, ये ट्रेन मात्र 55 मिनट में पहुंचा देगी। कौन सी है ये ट्रेन? इस ट्रेन का नाम है हाइपरलूप। जी हाँ, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी जल्द ही भारत में ये भविष्य की सवारी लाने वाली है। पता दें, ये ट्रेन जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज होगी। भारत की ये ट्रेन कई देशों की ट्रेनों से आगे निकल सकती है। भारत में फिलहाल इसके लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। इस ट्रेन से कई बड़े शहरों तक बहुत जल्द पहुंचा जा सकेगा। प्लेन से भी तेज होगी ये ट्रेन। बता दें, हाइपरलूप दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाने वाली कंपनी है। हाल ही में हाइपरलूप वन ने भारत में एक आयोजन किया था जहां उन्होंने भारत में बनने वाले उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन 55 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। क्या है तेज चलने का राज? इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है बुलेट ट्रेन से भी दोगुनी रफ्तार से चलना। यह ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस पॉड ट्रैक पर चलेगी। यह ट्रेन वैक्यूम बिना हवा ट्यूब सिस्टम से गुजरने वाली कैप्सूल जैसी हाइपरलूप लगभग 1200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।